सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ टूटी फूटी आवाज में प्रेम बातें के साथ बने रहिए और देखते रहिए। सामने तस्वीर में दिखाई दे रही है जो पूरे रेवसा ब्लॉक के अंदर गत झंडा गाड़े हुए, चाहे जिसकी दुख की घड़ी हो उसके साथ खड़े होते हैं संदीप वाजपेयी बजरंग दल के संदीप अवस्थी जी हैं। और हम बात करते हैं क्योंकि पूरे इलाके में एक धर्म का एक झंडा गाड़े हुए हैं, चाहे जो मुसीबत में हो उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, एक मामला आया है थाना थान गांव इलाके में जो धर्म परिवर्तन का, जहां पे इनको सूचना मिली, जो जानकारी में आ रहा है वहां पे पहुंचे अपने दलबल के साथ और वहां पे क्या कार्रवाई हुई। धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा एक रोल इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ये पहुंचे, पूरी जानकारी लेते हैं खबर से और वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे मौके से लेकर के थाने तक इनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और लोगों की धर्म परिवर्तन की, करीब 125 लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी तस्वीरें आप चैनल के माध्यम से देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबर को शेयर जरूर करें, लोगों को जानकारी हो सके कहां पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मैं शेयर करने के लिए कहता हूं, ना कि हमारा कोई पर्सनल लाभ है, लेकिन लोगों को जानकारी हो सके इस वजह से बात करते हैं इन सभी सहयोगियों से और बजरंग दल संयोजक संदीप अवस्थी से। अभी थान गाँव में आप गए थे जी, किस गांव का मामला है, किस ग्राम पंचायत का मामला है और क्या वहां पे देखा और क्या कार्रवाई आपने वहां पे कराई? ये धमौड़ा के पास एक गांव पड़ता है लोनियनपुरवा, धमौड़ा का मदरा है। हाँ ठीक बात। और वहां पे आपको सूचना कैसे लगी? वहां पे भी हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनके नाम उन्होंने रोक रखा है, नहीं आसाम में लाएंगे। ठीक बात। सूचना मिली कि यहां पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक। हम लोग अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वहां पे जो है दो लोग जो जिनके नाम FIR में लिखे हैं, दो अज्ञात, उनका नाम नहीं पता, वो फरार भी हो गया जब तक पुलिस पहुंची। वहां ये लोग वहां पे एक विशेष किस्म का जो है पानी डाल रहे थे, उनपे लाल कलर का पानी था वो, तो उसमें क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या मिला हो सकता है? उसमें लोग तो ये बताते हैं कि उसमें जो गौमाता का रक मिला के वो फिर लोगों पे छिड़कते हैं और उसके बाद जो हिंदू धर्म के हमारे जो देवी देवता हैं उनके, उनको कह के कि इनके अंदर कुछ नहीं है और उनका मतलब उनके खिलाफ गलत भावनाएं लोगों के खिलाफ डालते हैं। कितने लोगों को कराया जा रहा था? तकरीबन उस जो पंडाल के अंदर तकरीबन 125 लोग थे। 125 लोग थे जी। फिर वहां पे जाने के बाद क्या वहां पे गुड़ खिलाया आपने? जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों के द्वारा उस भीड़ को भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया कि हम लोगों पे हमला किया जाए। अच्छा। लेकिन पुलिस तब तक पहुंच चुकी थी तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन काफी लोग। मामला आया है कि आपका फोन भी किसी कार्यकर्ता का छीनने की कोशिश की गई। हाँ, एक कार्यकर्ता था, उसका फोन पुलिस के द्वारा छीना गया था। अच्छा, पुलिस के द्वारा, ऐसा क्यों? ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे चूंकि ऐसा भी मालूम हुआ है कि ये जो वहाँ पे कैलसिया है ये कई साल बराबर चल रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं के पुलिस भी सवाल पुलिस पे भी उठे हैं कि पुलिस के कान के नीचे इतना बड़ा मामला चल रहा था। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इसके संबंध में क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया था, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है, हालांकि कापी अभी नहीं मिली है, बोले 2-3 घंटे के बाद मिलेंगे क्योंकि उनका कंप्यूटर खराब था। बोले हैं पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ दी है आपने? दो उसमें नॉमिनेटेड, दो नामजद हैं और दो अज्ञात हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए और जानकारी दी, और आपने जो कार्य किया वो सराहनीय है, लोगों के जुबानी चर्चा का विषय बना। द्वारा भीड़ को उकसाया भी गया कि इन लोगों पर हमला कर दिया जाए, लेकिन क्या तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी तो अज्ञात जो है वो फरार हो गए। बात है।